गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सर्कुलर जो है वो इशू किया गया है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप लोगों को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का ये नया सर्कुलर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन में मैंने ओपन किया है इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन REG 01, यानी कि रजिस्ट्रेशन न्यू जो अप्लाई करते हैं। आप में से सारे लोग एक चीज को फेस कर रहे होंगे, जब भी आप नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो उस नए रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर आपसे क्लैरिफिकेशन मांगता है और उस क्लैरिफिकेशन में अनाप शनाप सवाल जो है वो आपसे पूछते हैं। जैसे आपने लेट सपोज जो अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डाला है, तो उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए सामने वाले का आधार कार्ड, सामने वाले की पैन कार्ड की कॉपी और भी कई सारी चीजें जो ऐसी होती हैं जिसका कोई पर्पस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दिया गया है उसको वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगा जाता है। ऐसी काफी सारी उलझुल चीजें जो है डिपार्टमेंट डिमांड करता है, जिसके लिए अब ये इंस्ट्रक्शन इशू किया है जो मोस्ट अवेटेड था। इसमें बताया गया है, इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ द हेड ऑफिस दैट फ्यू प्रॉपर ऑफिसर इन द स्टेट आर इंसिस्टिंग ऑन पर्सनल अपीयरेंसेस और सीकिंग एक्स्ट्रानियस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। कुछ ऐसी चीजें मांगी गई जहां पर एक्स्ट्रानियस इंफॉर्मेशन, बहुत अजीब तरीकों की इंफॉर्मेशन जो है ली जा रही है, या फिर वहां बोला जा रहा है कि आप पर्सनली आकर के मिल लीजिए। सीकिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, न्यू रजिस्ट्रेशन लेने के लिए ये कार्रवाई जो है डिपार्टमेंट कर रहा है। द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड, और उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ बताया गया है, व्हाइल देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ वीडिंग आउट बोगस फर्म्स और फेक फर्म्स को खत्म करने की जो जरूरत है इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, इसके लिए जो फैसिलिटी सेटअप करी गई है, सेटअप फॉर पासिंग ऑफ फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि बोगस और फेक फर्म बना करके जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसको पास ऑन करने का जो तरीका है, देर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ फैसिलिटेटिंग बोनाफाइड टैक्स पेयर्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब है कि जो फेक और बोगस रजिस्ट्रेशन लेकर के आईटीसी का सिर्फ बेनिफिट पास ऑन करते हैं इनके बीच, और जो बोनाफाइड या जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो है वो देना पड़ेगा। इसके लिए फैसिलिटेशन करना जरूरी है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस मे प्लीज बी नोटेड, और इस चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए गए, ऑल एप्लीकेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन आर टू बी प्रोसेस्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेड डाउन इन सेक्शन 25 एंड रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। यानी कि सेक्शन 25 के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने के लिए जो प्रक्रिया बताई गई है उसी प्रक्रिया के तहत आपको रजिस्ट्रेशन देना है, और उसके अंतर्गत जो रूल्स बताए गए हैं उसी रूल्स के अंतर्गत, उसी रूल्स के अकॉर्डिंगली जो टाइमलाइंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। अगर एप्लीकेंट का आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट है तो 7 days और 21 days की जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो 45 days का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर चीजों को कंप्लीट करना है अलोंग विद फिजिकल वेरिफिकेशन। द एक्ट डज नॉट मैंडेट फिजिकल अपीयरेंस और पर्सनल स्टेटमेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के समय कहीं भी पूरे जीएसटी के एक्ट में एप्लीकेंट का फिजिकल अपीयर होना ऑफिसर के सामने या उसका पर्सनली आकर के स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। दिस प्रैक्टिस शैल बी डिसकरेज्ड, इस प्रैक्टिस को पूरी तरीके से खत्म करना है। हाउएवर इन केस ऑफ डाउट और सस्पिशन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस मे बी कंडक्टेड अंडर रूल 25 ऑफ जीएसटी। अगर आपको डाउट है, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को डाउट है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस प्रीमाइसेस में जहां पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया गया है वहां पर जाकर के फिजिकली वेरीफाई कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन।
यानी कि ऑफिसर जाएगा फिजिकल प्रीमाइसेस को वेरीफाई करने के लिए एज पर रूल 25, ना कि टैक्स ऑफिसर जो है पेयर को ही बुला ले, एप्लीकेंट को ही बुलाए फॉर द पर्पस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। आगे इसमें लिखा गया है जो इंपॉर्टेंट है, द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन जीएसटी आरईजी 01। जी हाँ फ्रेंड्स, जब जीएसटी आरईजी 01 आप भरते हैं तो उसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वहां पर ऑलरेडी नाम और डिटेल्स जो है वो दिया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देना है। अगर आप जहां नंबर ले रहे हैं वो अगर रेंटेड प्रीमाइसेस है तो वहां आपको चाहिए रेंट एग्रीमेंट, और ज्यादा से ज्यादा रेंट एग्रीमेंट के साथ आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी बिल या टैक्स रिसीट बिल जो है वो ले सकते हैं कि ओनरशिप सही है या नहीं। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप मांगते हैं तो वो सही नहीं। कहने का मतलब है कि जो फॉर्म के अंदर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग, उसके अलावा कुछ ना मांगा जाए। आइडियली नो एक्सट्रानियस इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स शैल बी शॉट बाय द प्रॉपर ऑफिसर व्हाइल प्रोसेसिंग सच एप्लीकेशन। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा जो फॉर्म्स में दिए गए हैं नहीं मांगना है ऑफिसर्स को। हाउएवर इन केस ऑफ डाउट और सस्पिशन द प्रॉपर ऑफिसर मे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एज ही मे डीम फिट, बट इंफॉर्मेशन शैल बी रेलिवेंट टू द एप्लीकेशन एंड एक्स्ट्रानियस और फेवरलेस इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी कॉल्ड। अगर आपको डाउट है, सस्पिशन है नया रजिस्ट्रेशन पे, तो आप एडिशनली इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फॉर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बदमाशी करने के लिए, परेशान करने के लिए, फिरवलस इंक्वायरीज के लिए आप इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं डिमांड करेंगे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वो सीमलेस प्रोसेस होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा इंस्ट्रक्शन जो है दिया गया है, बशर्ते ऑफिसर्स इन चीजों को मान करके अब रजिस्ट्रेशन जो है एज पर लॉ और दिस इंस्ट्रक्शन जो है वो इश्यू करें। इन सारी चीजों को लेकर के एनालिसिस आपको हमारी मंथली टैक्स मैगजीन में भी दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक नया चेंज भी किया गया है ऑनलाइन। लेट सपोज एक बिजनेस है ए, इसने ट्रेड नेम एबीसी पे कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है। अब इसको सेम पैन पे ट्रेड नेम एबीसी के साथ साथ ट्रेड नेम बीसीडी भी चालू करना है, तो सेम जीएसटी नंबर रहे, सेम पैन नंबर रहे, तो इस सिचुएशन में पहले ऑप्शन नहीं हुआ करता था। अब यहां पर मल्टीपल ट्रेड नेम का जोड़ने का ऑप्शन जो है पोर्टल ने इनेबल कर दिया गया है। आप एड ट्रेड नेम करके मल्टीपल ट्रेड नेम्स जो हैं अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में ऐड करवा सकते हैं, ये ऑप्शन भी अब इनेबल कर दिया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कर दिया गया है, जिससे अब टैक्स पेयर्स को कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि रजिस्ट्रेशन अब किस तरीके से मिलेगा और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें।